जिंदाबाद। अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों का को तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। तीसरे दिन भी स्वास्थ्य कर्मी काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताते हुए अपना काम किए। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सितंबर माह से वेतन नहीं मिलने पर उनके भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मी बुधवार से काला बिल्ला लगाकर तीसरे दिन प्रदर्शन किए। संघ के मंत्री सुभाष चंद्र महतो ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत 30 जनवरी से 1 फरवरी तक सीएस कार्यालय के नीचे प्रतिरोध नारेबाजी अब किया जाएगा। इन पर भी यदि स्वास्थ्य विभाग की ओर से वेतन भुगतान नहीं किया गया तो 2 फरवरी से हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। हम लोग को पिछले जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, इंक्लूडिंग सिस्टर्स, स्टाफ एंड डॉक्टर्स, हम लोग को अब तक सैलरी नहीं मिली है। अब जनवरी महीना खत्म होने जा रही है, जिसके चलते हम लोग को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग के सभी बच्चे भी हायर एजुकेशन में क्लास में जाएंगे, अभी फरवरी महीना आ रहा है, उन लोगों को रीएडमिशन कराना, किताब ड्रेसेज वगैरह खरीदना है, उनके लिए हम लोग एडमिशन भी नहीं कराना पाएंगे। इसीलिए हम लोग का जो बका वेतन है उसका जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। और एक आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के आदेश भी है, उसमें लिखा है पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द बैच ऑफ रिट पिटीशन एंड इंटरिम एप्लीकेशन रिट सिविल 1079/2020 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर डिलेटेड अंडर सेक्शन 10(2) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भाइट ऑर्डर नंबर 42/222 DM1 डेटेड 11 मार्च 2020 इट इज हेयर बाय डायरेक्टेड दैट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंश्योर दैट सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्किंग वर्कर ड्यूरिंग COVID-19 रिलेटेड ड्यूटी शैल बी रिलीज्ड ऑन टाइम। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शुड इंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर बाय ऑल कंसर्न वायलेशन ऑफ व्हिच विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रीड दिस एज द इंडियन पेनल कोड एंड एक्शन टेकन अकॉर्डिंगली अगेंस्ट डिफॉल्टिंग हॉस्पिटल।